शहर के कुलदीप चिकानी और मित्र परिवार की ओर से आगामी 28 और 29 अक्टूबर को श्रीमती नव दुर्गा ऑरेंज सिटी 2023 फैशन टैलेंट एंड ब्यूटी पेजेंट का आयोजन किया जा रहा है। महिला के कई रूप होते हैं। वे पहले बेटी, फिर पत्नी, बहू और फिर माँ। इन सभी भूमिका में वे खुद को भूल जाती है। खुद की खुशियाँ छोड़ में घर वालों की खुशी में खुश रहती है। ऐसे ही महिलाओं के लिए ये कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिससे उनमें छुपी प्रतिभाएं सामने आए। इस शो में तीन अलग अलग विभाग किया गया है, जिसका क्रमश नवारी, बाई बन भारी दिवा और ओल्ड कन्या रखा गया है। इस कार्यक्रम के फाइनल में प्रमुख अतिथि के रूप में कारा न्यूज की चेयरपर्सन जोया सिराज शेख उपस्थित रहने वाली है। नमस्ते BCN, मेरा नाम कुलदीप, मैं इस शो का फाउंडर मेंबर हूँ। जब हमने ये शुरुआत की थी तो शो का जब प्लानिंग किया था तो एक टेबल पे प्लानिंग हुआ था। 6-7 लोगों ने मिलकर कहा था कि हम कोई कंपटीशन लेते जिसको महिलाओं को हमें आगे बढ़ाना है। हमें नहीं पता था कि हम फैशन ब्यूटी टैलेंट शो ले रहे, एक फैशन शो ले रहे और इतना ग्रैंड फैशन शो ले रहे कि जो नागपुर में नक्षत्र बैंकेट हॉल में होने वाला है। शो जब जैसे कि हमें शुरुआत हुई थी, लेकिन जब शो को जो पकड़ पकड़ी तो ये बोलते हैं ना कोई ऐसा पर्सन होगे जिनको लगा कि ये खास है कुछ, तो हमारे सिराज शेख सर जो है हमारे जो इस शो के गॉडफादर बोल सकते हैं हम, कि उन्होंने कहा कि सर इतना अच्छा कंसेप्ट हमने कभी सुना ही नहीं, अगर आप इतना अच्छा कंसेप्ट लेके आए हो तो हम आप हमारे पूरा ग्रुप आपके साथ है। जोया सिराज शेख मैम की जो कंपनी है कारा जोया प्राइवेट लिमिटेड, उन्होंने हमें थोड़ा सा फंडिंग दिया उस शो को आगे बढ़ाने के लिए, और फंडिंग के भरोसे आज हम इस बड़े से इस छोटे से शो को बड़ा मकाम दे रहे हैं। आज नारी शक्ति के बारे में मैं बोलना चाहूँगा। शिव के बारे में सब लोग बात करते हैं, लेकिन शक्ति के बारे में कोई बात नहीं करता। शक्ति वो है जो हमारी माँ है, शक्ति वो है जो हमारी वाइफ है, हमारी सिस्टर है, हमारे प्रोफेसर्स है जिन्होंने हमारे पढ़ाया है। तो शक्ति आपको हर स्वरूप में हर जगह मिलेगी। आज बस कंडक्टर शक्ति है, बस चलाने वाली शक्ति है, ऑटो चलाने वाली शक्ति है, सब्जी बेचने वाली शक्ति है, आप विमान में बैठे होंगे, फ्लाइट में बैठे होंगे, वो फ्लाइट चलाने वाली शक्ति है। तो हम ये नारी शक्ति को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं इस नवदुर्गा ऑरेंज सिटी फैशन शो के जरिए। एक ऐसा मैसेज लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं कि हम कुछ भी कर सकते हैं, और ये शो बहुत ग्रैंड होने वाला है। इस शो को मजबूती देने के लिए BTP यात्रा ग्रुप हमसे जुड़ गए। BTP यात्रा ग्रुप हमें ट्रॉफी, शैश, क्राउन, पार्टिसिपेंट्स के लिए बहुत सारे उपहार, बहुत सारे गिफ्ट हमें ले आए। टिकट ग्रुप हमसे जुड़ गया है, जो कि ऑनलाइन टिकट और कहीं पे भी यात्रा करने के लिए हमें आसानी से उपलब्धियाँ देते हैं। कारा फाउंडेशन ग्रुप जो चैरिटी करते हैं वो ग्रुप हमसे जुड़ गया है। कारा न्यूज़, मेट्रो समाचार, जो कि हमारे छोटे से छोटे आर्टिकल्स जो हमारे साथ हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे छोटे से छोटे आर्टिकल उनके मैसेजेस लोगों तक पहुंचाने में हमारे लिए तैयार है। इन BCN ग्रुप सबसे बड़ा नागपुर का जो केबल नेटवर्क है जो उन्होंने संभाल चुके हैं वो भी आज हमारे साथ खड़े हैं। और जब नारी शक्ति को हम तैयार करने की बात करते हैं तो बोलते हैं कि सेलिब्रिटीज़ हमेशा सामने आते हैं, दिखने में सुंदर होते हैं, उनमें बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस होता है, इस वजह से कि वो मेक ओवर के लिए, पहले तो मेक ओवर ग्रुप जो हमारा है जो मेघा कपूर MS जो कि सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट है, उनके लगभग 20 मेकअप आर्टिस्ट इन लोगों को देवियों का स्वरूप दे रहे हैं, तो वो भी हमसे इस जुड़ रहे हैं। मेकअप से कॉन्फिडेंस आता है, हमें एक अलग पर्सनालिटी मिलती है, तो वो पर्सनालिटी मिलेगी उस दिन। एक नव नारी, बाईपन भारी और ओल्ड कन्या के रूप में ये महिलाएं अपने आप को देवी के स्वरूप में अपने आप को रिप्रेजेंट करने जा रही है। और इस प्रोग्राम के दौरान हम सेल्फ डिफेंस आत्मरक्षा शिविर और इसको मजबूत बनाने के लिए, मतलब महिलाओं ने सशक्त होना चाहिए, खुद पे निर्भर होना चाहिए। अगर अकेली महिला एक बस में अगर सफर कर रही है तो बिल्कुल नहीं डरना चाहिए, क्योंकि वो उस वक्त तक जैसे ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो ये क्लब है, ऐसा काम करने वाला है कि वो कॉन्फिडेंसली उस बस में आसानी से सफर करे, क्योंकि वो मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग ले चुकी होगी, आत्मरक्षा की ट्रेनिंग ले चुकी होगी। उसके लिए क्या करना चाहिए, क्या बेसिक नीड्स है, मेरा एक ही है, हमारे घर में सारे वेपन्स अवेलेबल है, बेलन हमारा वेपन है, आज की दुर्गा बेलन लिए खड़ी है, हमारा चम्मच जो होता है जो हमसे सब्जी पलटाने का काम करते हैं वो हमारा वेपन है, हमें किचन की कोई भी सामग्री को उठा लो, उसको फोड़ दो और वेपन तैयार हो सकता है।
इतना आत्मविश्वास इस महिलाओं में पहले से है, हम थोड़ा थोड़ा तैयार कर रहे हैं इन सबको ट्रेनिंग के माध्यम से। और मैं सबसे लास्ट एक ही बोलना चाहता हूँ कि हमारा ग्रैंड फिनाले जो कि 29 को है और हमारा टैलेंट शो जो कि 28 को है, बड़े से बड़े समुदाय में हमसे जुड़िए और आगे भी हम ऐसे शो लेते जाएंगे। महिलाओं का जो हमारा शो का समारोह है वो फिटनेस रैली से है, उसमें नवारी और फेटा वेटा पहन के बुलेट पे रैली निकले वाली है, ग्रैंड रैली है उनका जो मतलब उसको प्रेजेंट कर रहे हैं सिराज शेख सर। तो हम चाहते हैं कि वो अंत रहेगा हमारा इस शो का, लेकिन ये तो शुरुआत है और इतना ही कहकर मैं समाप्त करता हूँ। थैंक यू सो मच BCN, थैंक यू सो मच। इस शो में हिस्सा लिए कुछ महिला प्रतियोगी ने BCN के सामने अपनी प्रतिक्रिया भी दी। मी हाउसवाइफच आहे आणि मी काही वर्ष ट्यूशनमध्ये शिकवलं, काही वर्ष कॉलेजमध्ये शिकवलं, सगळं करूनही मनाला कुठेतरी वाटत होतं की नाही आपण अजून काहीतरी करायला हवं। मग मी ह्या ऑगस्टपासून मी बाहेर निघाले, माझी मुलं मोठे मोठे आहेत, विचार केला की आपण खरंच स्वतःसाठी जगलं पाहिजे। आता सगळ्यांचं खूप केलं, सगळं करूनही काहीच नसतं, कोणी तुमचं नाव घेत नाही या मॅडमने सांगितल्याप्रमाणे, ना तुम्हाला कोणी ट्रॉफी देत, पण तुम्ही रॅम्पवॉकवर चालले, तुमचा टॅलेंट दाखवला तर नक्की तुमच्या टॅलेंटला कोणीतरी दाद देणारं तुम्हाला मिळणार आणि तुम्हाला बक्षीस नक्की मिळत असतं। मग मी विचार केला आणि मी पार्टिसिपेट करत गेले, आज या प्लॅटफॉर्मवर मी इथे आले आहे, इथे पार्टिसिपेट करत आहे। इथले जे राऊंड्स आहेत जसं देवी वगैरे बनणार आहे, तर त्यासाठी मी खूप एक्साइटेड आहे की एक्झॅक्टली मला कुठली देवी बनेल, कुठली देवी करेल, यासाठी मी खूप एक्साइटेड आहे। आणि खरंच यांचं जे बेनिफिट्स आहे, बेनिफिट्स पण खूप छान आहेत आणि मला आवडेल की मी इथे पार्टिसिपेट करत आहे। त्याबद्दल सरांना पण खूप धन्यवाद, सगळ्या मॅडमला धन्यवाद की त्यांनी या प्रकारचा प्लॅटफॉर्म सगळ्या महिलांसाठी ओपन केलेला आहे, ज्यांना हिचकिचाहट आहे बोलण्याची, त्यांचा पण कॉन्फिडन्स वाढेल। आणि कॉन्फिडन्स वाढणं खूप जरुरी आहे, पहिल्यांदा आपल्याला वाटेल पण आपला कॉन्फिडन्स नक्कीच वाढेल। आणि सगळ्यांनी पार्टिसिपेट करावं, जास्तीत जास्त महिलांनी असं मला वाटते। आणि एकमेकींमुळे आपण काय होतो, आपल्याला थोडासा आधार मिळतो, आपल्याला एक रोल मॉडेल मिळतं की नाही हां ही करत आहे ना, मग आपण पण करायला पाहिजे हिच्यासारखं, आपण पण करू शकतो आणि प्रत्येक स्त्री करू शकते। नारी शक्ती शक्तीच आहे, नारी ही शक्तीच आहे आणि तिच्यामध्ये शक्ती आहे आणि ती सगळं करू शकते, सगळं सांभाळू शकते, ती इतकं संसार सांभाळू शकते, सगळं घर सांभाळू शकते, येणाऱ्या जाणाऱ्या पाहुण्यांनी ती सांभाळू शकते, एनी टाइम ते तयार असते सगळ्यांसाठी, तर ती नक्कीच काहीतरी करू शकते। आणि सगळ्यांनी करावं हे सगळ्या महिलांना सांगते, हाऊसवाईफ आहे म्हणून स्वतःला हे समजू नका, जॉब करणारे तर जॉब करतात, घरही सांभाळतात, पण हाऊसवाईफ सगळं काही करू शकतात। थँक्यू सो मच। मी पण 10 वर्ष काहीच नाही केलं, 10 वर्ष मी घरीच होती, मग 10 वर्षापासून नंतर मी जॉब लागला मला एक, तो जॉब 10 वर्ष गेला मी, त्यातला अनुभव घेतला आणि मी स्वतःची बँक टाकली। त्यात मला माझं खूप एज्युकेशन नाही आहे पण माझ्यात हिंमत खूप होती की नाही काहीतरी करायचं, त्याच्यामुळे माझी मार्केटिंग झाली होती, त्याच्यामुळे मी माझी स्वतःच्या हिमतीने बँक टाकली। त्यात भारती मंडळकरने माझा सपोर्ट केला होता त्यावेळेला। आणि म्हणजे आज मला हे सर मगाशी म्हणाले की अत्याचाराविषयी, म्हटलं महिलांनी फक्त पहिलं घरचा अत्याचार सहन करून बाहेर निघायला पाहिजे, तेव्हा बाहेरचा अत्याचार सहन करतील, हा मला म्हणायचं। आणि तुम्ही खूप चुकी संसार केला म्हणून कोणी तुम्हाला अवॉर्ड देणार नाही आहे, तुम्ही मुलांना खूप छान घडवलं, खूप नवऱ्यासोबत खूप छान राहिले, खूप छान छान वागले, सगळं झालं, पूर्ण कुटुंबाचं केलं, तरी तुम्हाला कोणी अवॉर्ड देणार नाही। पण यातनं तुम्ही बाहेर निघाल, ज्या दोघांना जर दाखवाल तुमच्यात काहीतरी आहे, तेव्हा तुम्हाला अवॉर्ड भेटणार आहे। आणि ते आपल्यात खूप सगळ्या स्त्रियांमध्ये काही ना काही गुण आहे, 100% आहे, पण त्यांना बाहेर करायला पुश करायला आपल्यासारख्या महिला पाहिजे। माझी तरी खूप इच्छा आहे, मी तो जॉब सोडला, मला काही त्रास नव्हता त्या जॉबचा, पण मला फक्त तिथून बाहेर निघायचं होतं, कारण मला काहीतरी करायचं होतं। मी तिथे फक्त 7 या 10-12 तासांमध्ये मी अडकून जायची, पण मला असं वाटायचं मी इथे पगारात खुश होते, सगळ्यात खुश होते, मला पैशाचं काही नव्हतं, त्यामुळे टेन्शन नव्हतं कशाचं, पण मला स्वतःला काहीतरी करायचं होतं। कधी कधी महिला इतक्या शिकलेल्या असतात, काय करतात त्या डिग्र्यांचं मला समजत नाही, तुमच्या 35-36 वर्षात त्या डिग्र्याला कोणी विचारणार नाही, कोणी विचारणार नाही। मी तर बिना डिग्रीची मी आज 12 पास आहे, पण माझ्यात खूप हिंमत आहे आणि मला सगळ्या महिलांना घेऊन हिंमत द्यायची, प्रिया मॅडम सारखी मला आज मिळाली म्हणून मी इथपर्यंत आली, नाही तर माझे सगळे स्वप्न बँकेतच राहिले असते। पण तरी पण मला आज मी जेव्हा महिलांची ओपनिंग केली, त्यावेळेला मी 700 लोक महिला घेऊन मी ओपनिंग केली, माझ्याजवळ 700 लोक होते ज्या दिवशी माझं ओपनिंग होतं, आणि मला गडकरी साहेबांनी त्याचा सपोर्ट केला, त्यामुळे गडकरी साहेबांनी माझं ओपनिंग पण करून दिलं आणि मी आज या लेवलपर्यंत आली आहे। आणि प्रियामुळे मी आज इथे थोडंसं डेअरिंग करत आहे, स्टेज डेअरिंग, मला नाही तर स्टेज डेअरिंग वगैरे नाही आहे, पण बोलता येतं तर बोलते। चला धन्यवाद, थँक्यू। कैमरा पर्सन अजित कुवर के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट।